देवा। स्टार प्रभास की एक्शन पैक्ड फिल्म सलार की आज से तीसरे हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और ये फिल्म तीसरे हफ्ते में भी रुकने का नाम नहीं ले रही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सलार फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा पांचों भाषाओं में दुनिया भर में करती जा रही है ताबड़तोड़ कमाई। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सलार के 15 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने दुनिया भर से टोटल कितने करोड़ की कमाई की। साथ ही साथ जानने वाले हैं शाहरुख खान की फिल्म डंकी के भी 16 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि सलार और डंकी में आपको कौन सी फिल्म बेस्ट लगी। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी एक्शन पैक्ड फिल्म सलार, जिस फिल्म को रिलीज किया गया था 22 दिसंबर 2023 को, नया साल शुरू हो चुका है लेकिन लोगों के सर से सलार का जो बुखार है वो अभी तक नहीं उतरा और ये फिल्म नए साल में एंट्री लेने के बावजूद भी करती जा रही है ताबड़तोड़ कमाई। दोस्तों आपको बता दें कि पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, जगपति बाबू और श्रुति हसन के सलार सीज फायर पार्ट 1, जिस फिल्म को सिनेमाघरों में इस वक्त तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सलार फिल्म को सिनेमाघरों में आज कंप्लीट हो चुके हैं 15 दिन। और अगर बात करें फिल्म के 15 दिनों के सभी भाषाओं के कलेक्शन के बारे में, तो उससे पहले जान लेते हैं शाहरुख खान की फिल्म डंकी के 16 दिनों के कलेक्शन के बारे में, जो कि इस फिल्म से एक दिन पहले यानी कि 21 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने। और इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ में हमें तापसी पन्नू, विक्की कौशल देखने को मिले थे। 120 करोड़ के बजट में बनी डंकी फिल्म ने शुरुआती 14 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 207 करोड़ 43 लाख रुपए का किया था। वही दोस्तों फिल्म ने अपने 15वें दिन 3 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की, तो 16वें दिन डंकी का इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ 3 करोड़ 10 लाख रुपए का हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म डंकी का शुरुआती 16 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 213 करोड़ 73 लाख रुपए का हो चुका है, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फिल्म का 16 दिनों में 422 करोड़ का हो चुका है। तो डंकी ने तो 16 दिनों में दुनिया भर से 422 करोड़ की कमाई की। लेकिन अगर बात करें सलार के 15 दिनों के कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि सलार फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा पांच भाषाओं में रिलीज किया था। और अगर बात करें फिल्म के पांचों भाषाओं के कलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं सलार फिल्म के हिंदी कलेक्शन, उसके बाद जानेंगे इस फिल्म के सभी भाषाओं के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों यहां पर सलार फिल्म ने पहले हफ्ते के अंदर यानी कि 7 दिनों में हिंदी से नेट कलेक्शन 110 करोड़ 48 लाख रुपए का किया था। वही दूसरे हफ्ते में फिल्म का हिंदी नेट कलेक्शन 46 करोड़ 63 लाख रुपए का रहा। यानी कि दोस्तों सलार फिल्म दो हफ्तों के अंदर हिंदी नेट कलेक्शन 157 करोड़ 11 लाख रुपए का कर चुकी थी, वही हिंदी ग्रोस कलेक्शन 187 करोड़ 30 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, सलार फिल्म हिंदी से ही 187 करोड़ की कमाई कर चुकी और आने वाले समय में यह फिल्म हिंदी मार्केट में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर देगी। लेकिन दोस्तों अगर बात करें सलार फिल्म के पांचों भाषाओं के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यहां पर सलार फिल्म ने पहले हफ्ते में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन पांचों भाषाओं से 378 करोड़ 65 लाख रुपए का किया था। तो दूसरे हफ्ते में फिल्म का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन पांचों भाषाओं से 68 करोड़ 20 लाख रुपए का रहा। वही बात करें सलार फिल्म के आज यानी कि तीसरे शुक्रवार के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस हफ्ते बॉलीवुड की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, जिसके चलते सलार फिल्म को अपने 15वें दिन हिंदी में तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन साउथ में बहुत सारी नई नई फिल्में आ चुकी है, जिसके चलते सलार फिल्म की स्क्रीन साउथ लैंग्वेजेस में काफी कम कर दी गई है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पर सलार फिल्म अपने 15वें दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 5 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है। अब अगर जोड़े कि सलार फिल्म का 15 दिनों में टोटल कलेक्शन कितना होता है, तो दोस्तों सलार फिल्म पांचों भाषाओं से ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 452 करोड़ 35 लाख रुपए का कर चुकी है, वही ऑल इंडिया ग्रोस कलेक्शन 538 करोड़ रुपए का।
बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म का जो ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 145 करोड़ का रहा। इसी के साथ दोस्तों सलार फिल्म का 15 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 683 करोड़ का हो चुका है। तो दोस्तों फिल्म ने 15 दिनों में तो 683 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है और अब इतना भी कंफर्म है कि इस वीकेंड यानी कि शनिवार और रविवार आने वाले दो दिनों में यहां पर सलार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिर से तगड़ी कमाई करेगी। यानी कि दोस्तों इतना कंफर्म है कि आने वाले 2-3 दिनों में सलार फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 700 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। लेकिन देखना यह है कि यह फिल्म 700 करोड़ के आगे 800 करोड़ तक जाती है, 900 करोड़ तक जाती है या फिर फिल्म का फाइनल कलेक्शन 1000 करोड़ का होता है। हालांकि 1000 करोड़ अब काफी ज्यादा मुश्किल है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है सलार फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितने का होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल एकेबी मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।